पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर जहीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मौलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी, मगर बाबर की वफात के बाद इसके जानशीन हुमायूं ने अपनी सल्तनत शेरशाह सूरी के हाथों खो दी। हुमायूं को शेरशाह सूरी से पे दर पे होने वाली शिकस्तों की वजह से हिंदुस्तान से भागना पड़ा। मुगलों को हिंदुस्तान से निकाल कर शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। शेरशाह सूरी की सल्तनत बंगाल से लेकर पंजाब तक फैली हुई थी, लेकिन शेरशाह सूरी की वफात के बाद इस्लाम शाह सूरी अपने बाप की वसीओ अरीस सल्तनत को ना संभाल सका और खाना जंगी की वजह से सूरी सल्तनत कमज़ोर पड़ गई। इस्लाम शाह की वफात के बाद इसका कमसिन बेटा फैरोज़ खान तख्त नशीन हुआ, मगर फैरोज़ खान को इसके मामू आदिल शाह सूरी ने कत्ल कर दिया और वो खुद तख्त नशीन हो गया। आदिल शाह सूरी इंतहा दर्जे का अय्याश और जालम हुक्मरान था। इसने अय्याशी और फजूल खर्ची पर सारा खजाना लुटा दिया। आदिल शाह सूरी ने अपने भांजे को कत्ल करके तख्त पर कब्जा जमाया था, इसी वजह से बहुत सारे अफगान सरदार इसके खिलाफ हो गए थे और वो किसी अफगान सरदार पर एतमाद नहीं करता था, लिहाजा इसने एक हिंदू हेमू बकाल को अपना वजीर और सिपा सालार मुकर्रर किया। आदिल शाह ने तमाम तर इख्तियारात हेमू को दे दिए थे। हेमू बकाल भी आदिल शाह का वफादार ना था, बल्कि वो एक ऐसे मौके की तलाश में था कि मुगलों का खात्मा करने के बाद आदिल शाह को ख़त्म करके वो अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करे। वो बरे सगीर में दोबारा हिंदू हुकूमत की बुनियाद रखने के ख्वाब देख रहा था। पंजाब, मालवा, बंगाल और दिल्ली में भी अफगान सरदारों ने अपनी अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम की हुई थी। इस मौके को गनीमत जानकर हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त देकर दोबारा सारे पंजाब पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा जमा लिया। 26 जनवरी 1156 ईस्वी में हुमायूं सीढ़ियों से गिरने के सबब वफात पा गया। अपनी वफात से चंद दिन पहले इसने बैरम खान को अपने बेटे अकबर का अतालीक मुकर्र किया था। हुमायूं के वफात के वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। बैरम खान और अकबर इस वक्त कलानूर पंजाब में थे जब इनको हुमायूं की मौत की इत्तला मिली। बैरम खान अकबर का अतालीक था, लिहाजा इसने कलानूर में ही अकबर की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर अकबर को बैरम खान जैसा लायक मुआवन ना मिला होता तो शायद ही मुगलों को इस बरेसगीर में वो अरूज हासिल हो सकता जिसकी दास्तानों से आज तारीख रंगीन है। अकबर चूंकि नौ उम्र था, इसलिए तमाम माली और मुल्की मामलात का एहतमाम बैरम खान के हाथ में आ गया था। अकबर को सबसे ज़्यादा ख़तरा सिकंदर शाह सूरी का था, जो कि कोहे सवालक से निकलकर बार बार पंजाब पर हमला आवर होता रहता था। दूसरी तरफ हेमू बकाल, जो आदिल शाह सूरी का वजीर और सिपा सालार था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर अपनी हुकूमत कायम की जाए, इसको जब हुमायूं की मौत की खबर मिली तो वो मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने की तैयारियां करने लगा। वो बंगाल से 1000 हाथी और 50,000 सवार लेकर आगरा की जानी आगे बढ़ा। हेमू ने मुगलों को बयाना, अटावा, लखनऊ, सुंबल, कालपी और नारनवाल से भगा दिया। आगरा में हेमू के हमले की खबर सुनकर सिकंदर शाह अजबक ने शहर को खाली कर दिया और बगैर जंग के वो फरार हो गया। सिकंदर शाह के ताकू में हेमू दिल्ली के करीब गांव तुगलक आबाद पहुंचा, जहां इसका सामना दिल्ली के गवर्नर तर्दी बेग खान की फौजों से हुआ और तुगलक आबाद की जंग में हेमू ने मुगलों को शिकस्त दी। हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को मुगलों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहाँ इसने अपनी बादशाहत का ऐलान किया। दिल्ली और आगरा को हारने के बाद मुगल सरदार दिल्ली से भाग कर अकबर के पास सरहिंद में जा पहुंचे। अकबर के उमराए सल्तनत ने यह मशवरा दिया कि हिंदुस्तान में खुद को कुचलवाने से बेहतर है कि हम काबुल चले जाएं और वहां से नया लश्कर लेकर दोबारा दिल्ली पर कब्जा करें। तर्दी बेग बार बार इस बात पर इसरार कर रहा था कि हमें काबुल चले जाना चाहिए क्योंकि हेमू के पास बहुत बड़ी फौज है। बैरम खान ने तर्दी बेग को अकबर के सामने कत्ल कर दिया क्योंकि तर्दी बेग की वजह से मुगल सिपाहियों के हौसले पस्त हो रहे थे। बैरम खान ने उमराए सल्तनत के मशवरे की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि बादशाह तो अभी बच्चा है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शिकस्त की स्याही हमारे मुंह पर लग जाएगी।
हमारी गैरत का तकाजा है कि या हम मरेंगे या फिर फतह हासिल करेंगे। अकबर ने भी बैरम खान की तायद की और कहा कि खान बाबा दुरुस्त कह रहे हैं, हम लड़ेंगे मरेंगे मगर हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएंगे। नौ उमर बादशाह की इस हिम्मत और फैसले के बाद उमराए सल्तनत में कुछ गैरत पैदा हुई और वो लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। हेमू को जब मालूम हुआ कि अकबर सरहिंद में है तो इसने अकबर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और अपने एक दस्ते को तोपें देकर लश्कर से पहले ही पानीपत की तरफ भेज दिया। इसी दौरान बैरम खान भी अकबर अपने लश्कर को लेकर सरहिंद से दिल्ली की तरफ निकल चुका था। बैरम खान ने खान शैबानी को 10,000 घुड़सवार देकर आगे हरवल दस्ते का कमांडर बनाकर भेजा। शैबानी ने हेमू के तोपखाने पर हमला किया और हेमू के तोपखाने पर कब्जा कर लिया। हेमू की शिकस्त का बुनियादी सबब भी यही बना कि इसका मजबूत तरीन हथियार मुगलों के कब्जे में चला गया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के तारीखी मैदान जंग में हेमू और अकबर की फौजें आमने सामने हुई। बैरम खान के हुक्म पर अकबर को मैदान जंग से 8 मील के फासले पर अकब में एक महफूज जगह पर ठहराया गया। जंग के तमाम मामलात बैरम खान ही देख रहा था। असल में मुकाबला बैरम खान और हेमू के दरमियान था, अकबर तो सिर्फ नाम का बादशाह था। तमाम तर इख्तियारात इस वक्त बैरम खान के पास ही थे, लेकिन ये बैरम खान की अनमोल वफादारी थी कि इसने दोबारा हिंदुस्तान में मुगलों की गिरती हुई सल्तनत को अरूज पर ला खड़ा किया। मुगलों के लश्कर की तादाद 25,000 के करीब थी, लेकिन बाज़ मोरखों ने मुगलों के लश्कर की तादाद 10,000 जबकि बाज़ ने 20 और कुछ ने 30,000 भी लिखी है। मुगल फौज की क्लब की क्यादत खान शेबानी कर रहे थे। मुगल लश्कर के दाएं पहलुओं पर सिकंदर खान अजबुक और बाएं पहलू पर अब्दुल्ला खान अजबुक थे। बाज़ मोर्रखीन ने हेमू के लश्कर की तादाद 1,00,000 और जंगी हाथियों की तादाद 1,000 भी लिखी है, लेकिन एक बात पर तमाम मुर्रखीन मुत्तफिक हैं कि हेमू के लश्कर की तादाद, जिसमें अफगानों और राजपूतों की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी, मुगलों से बहुत ज़्यादा थी। हेमू के लश्कर के बाएं हिस्से की क़यादत इसका भांजा रमिया ने की और दाएं हिस्से की क़यादत शादी खान कक्कर ने की। हेमू की फ़ौज मुगलों को पे दर पे शिकस्तें देने के बाद अपनी जीत को यकीनी समझ रही थी। इनको यकीन था कि वह मुगलों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, क्योंकि हेमू इस वक्त तक बंगाल से पंजाब तक किसी लड़ाई में नहीं हारा था। लेकिन पानीपत के मैदान में हेमू के पास कोई तोपखाना नहीं था। हेमू का लश्कर तादाद में बड़ा था, इसलिए इसने हमले में पहल की और अपने दाएं और बाएं बाजू को हमले का हुक्म दिया। दूसरी तरफ मुगलों की भी दाएं और बाएं जानिब के दस्ते आगे बढ़े। कुछ देर मुकाबले के बाद हेमू के लश्कर ने मुगलों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मुगलों के दाएं और बाएं जानिब के दस्ते मुगलों के क्लब से भी पीछे निकल गए। इसी वक्त बैरम खान ने तेज़ रफ्तार घुड़सवार दस्ते अपने पहलुओं की मदद के लिए भेजे। इन घुड़सवारों ने हेमू के पहलुओं पर अकब से हमला कर दिया। इस दो तरफा हमले में हेमू के सिपा सलारों शादी खान कक्कड़ और भगवान दास समेत कई सिपाही मारे गए। मुगलों ने हाथियों की टांगों और सूंडों पर वार किए, जिससे हाथी बेकाबू हो गए और पीछे की तरफ भाग निकले। हेमू अपने हाथी पर बैठा मैदान जंग को देख रहा था और अपने सालारों को वहीं से हुक्म भेज रहा था। इस सूरत हाल में जब हेमू के दो अहम सालार भी मारे जा चुके थे, इसने अपने पहलुओं की मदद के लिए अपने महफूजा के दस्तों को आगे भेजा, जिन्होंने मुगल घुड़सवारों को जो पीछे से हमला कर रहे थे इन्हें वापस धकेल दिया। इसके बाद खुद हेमू हाथी पर सवार होकर अपने क्लब के साथ आगे बढ़ा। इन दिनों बारिश की वजह से मुगलों के क्लब के सामने ज़मीन बहुत दलदल हो चुकी थी, मगर हेमू ने इस दलदली ज़मीन को पार किया और मुगलों के क्लब पर पूरे ज़ोर से हमला कर दिया। मुगलों ने कुछ देर मुकाबला किया, मगर इसके बाद इतने बड़े लश्कर के हमले की ताब ना लाते हुए वो पीछे हटने लगे और करीब था कि हेमू ये जंग जीत जाता, लेकिन एक मुगल सिपाही का तीर इसकी आँख में जा लगा। इस तीर ने हिंदुस्तान की तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। तीर के लगने से हेमू बेहोश होकर गिर पड़ा और देखते ही देखते जंग का पांसा पलट गया। हेमू को हाथी से गिरता देखकर इसकी फौज के हौसले टूट गए और वो मैदान जंग छोड़ने लगे। थोड़ी ही देर में हेमू का सारा लश्कर मैदान जंग में 5,000 लाशें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके लश्कर के बहुत सारे सिपाही भागते हुए मारे गए और इस तरह पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर की फतह और हेमू की शिकस्त के साथ ख़त्म हुई। अकबर के मुंशी अबू फजल ने लिखा है कि इस जंग के बाद जब हेमू को अकबर के सामने लाया गया तो बैरम खान ने हेमू को कत्ल करने का मशवरा देते हुए
अकबर से कहा कि इस काफिर को कत्ल कीजिए ताकि आप गाजी कहलाएं और सवाब अजीम हासिल करें। लेकिन अकबर ने जवाब दिया कि इस नीम मुर्दा कैदी को मार कर ना हम गाजी बन सकते हैं और ना ही कोई सवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अकबर के ना चाहते हुए भी बैरम खान ने हेमू का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन मौरख तारीख फरिश्ता ने लिखा है कि अकबर इस वक्त बच्चा था जब इसको हेमू का सर काटने का कहा गया तो अकबर ने वार किया, लेकिन इसमें इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी कि सर काट सके। इसके बाद बैरम खान ने एक जोरदार वार करके हेमू का सर काट दिया। हेमू के सर को दहली दरवाजे के बाहर लटकाने के लिए काबुल भेज दिया गया, जबकि इसके धड़ को पुराना कला दहली के एक दरवाजे पर निशाने इबरत के लिए लटका दिया गया, जहां हेमू ने दहली फतह करने के बाद ताजपोशी की थी। अकबर के पानीपत में तारीखी फतह से हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का एक नया दौर शुरू होता है। ये अजीब इत्तेफाक है कि अकबर के दादा बाबर को भी हुकूमत पानीपत में फतह हासिल करने के बाद मिली थी और अकबर की हुकूमत का दौर भी इसी पानीपत के मैदान में फतह हासिल करने के बाद शुरू हुआ और इसके बाद मुगलिया सल्तनत को वो अरूज हासिल हुआ जो इससे पहले बरसगीर में किसी भी सल्तनत को हासिल नहीं हुआ।